राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। ठंड लग रही है? हाँ। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। आप ज्यादा लग रही होंगी ना? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं? आप मुझे देख रहे हैं, आप जैसे मुझे सुन रहे हैं। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण साईं। माँ, आप कब तक यहाँ पे खड़ी रहेंगी? बीमार पड़ जाएंगी। उसके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। कौन माँ, किसकी बात कर रही हैं आप? वही
जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पे है। भिक्षा दो माई, अल्लाह मालिक। हमने तय कर लिया है, हम विद्यालय के बाद यही बैठेंगे, यही सारा काम खत्म करेंगे और यही खेलेंगे ताकि तुम अकेले ना रहो। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक? रानू जी कक्का भी चले गए तो तुम अकेले हो गए ना, ऐसे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और इतने सारे लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए, उसमें भी तो मदद चाहिए होगी तुम्हें। वैसे भी उन्हें तो सिर्फ कंबल बुनना आता था, वार्का मई जरूर कहते थे, लेकिन कुछ भी तो नहीं सुधारा है यहाँ। और तुम क्या सुधारोगी यहाँ? मैं को सजाऊंगी। अब नवरात्रि आने वाली है, मतलब तुमसे मिलने बहुत लोग आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। मैं कपड़े का झूला बनाकर पेड़ से टांग सकता हूँ। अच्छा, साई बच्चे है क्या जो कपड़े के झूले में झूलेंगे? बताऊंगी क्या करना है। तुम्हारी बात कौन डाल सकता है, ये द्वारका माई तुम्हारी ही है, जैसे इच्छा हो सजा लो। मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो कहना। तुम अपनी जली बूटी कूटो, ये काम मुझ पे छोड़ दो। अच्छा, जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल से तुमने स्नान नहीं किया है, वस्त्र भी वही है कल वाले। हरिओम हरिओम। स्नान नहीं किया है तो पूजा की तैयारी नहीं की होगी, खाने के लिए कुछ नहीं बनाया होगा। आपने ही तो कहा था आपके लौटने तक मैं यहाँ खड़ी हूँ। मतलब कल से तुम यही खड़ी हो? हरिओम हरिओम। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो बिल्कुल थकावट नहीं दिख रही है। आई तो पूरे दिन और पूरी रात यही थी, खाना भी नहीं खाया। जाओ, दिन की अवधि समाप्त होगी। हरिओम। क्या कहा है? बीमार पड़ गई है धूप में खड़े खड़े। बीमार पड़ गई है धूप में खड़ी थी? क्यों, वो क्यों थी धूप में खड़ी? आई पर नजर रख रही थी ना। तुम जाओ पाठशाला जाओ। विचित्र है सब, जिसे दंड मिला वो ठीक ठाक है और जिसे नहीं मिला वो अस्वस्थ हो गई है। समस्या क्या है जानती हो तुम रुक्मिणी?
मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, लेकिन तुम अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करती हो। हाँ, आदेश का पालन करना चाहिए तुम्हें, लेकिन अपने विवेक से इतना तो समझ लिया करो कि मेरी मंशा क्या है। हरिओम हरिओम। संभाल के अब बैठे आराम से, सब ठीक हो जाएगा। आई देवा, हम मलहम लगाएगी कि नहीं? हाँ, अभी लगाती हूँ। नहीं आई, कुलकर्णी सरकार ने जो भिजवाया था ये वही है। चलिए हाथ हटाइए, मुझे लगाने दीजिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जीवन में कभी किसी से मदद नहीं ली, आज इतनी विवशता लग रही है। हर साल नवरात्रों के दिनों में चरणपुर में माता जी का मंदिर है ना, वहां पाठ होता है। विवाह के बाद हर साल जाती रही हूं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरी आंखों की वजह से देवा। आप आराम कीजिए आई, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ। विडंबना देखो, मैं जिसे अपने वश में करना चाहती थी उसी पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गई हूँ आज। मैं जिसे औरों की मदद करने से रोकना चाहती थी, आज उसी की मदद के बिना मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं। देवा, क्या करूं मैं? केशव, अंदर आओ। डरो मत, अंदर आओ। कैसे पता? अंदर आ जाओ। डरो मत, अंदर आ जाओ। वो मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी, वो मतलब मुझे लगा कि आज बहुत सारा काम करना है हमें, यहाँ सजाना है इस जगह को। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी अपने घर में झाड़ू भी लगाया होगा, लेकिन मैंने रंगोली बनाना तो सीखा है माँ से। बना के दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ। साई, इसे बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगा। जिबरी, मुझे कपड़ा दो ना।
रहने दो, मैं लेके आता हूँ। ओहो अंता जी, बातों बातों में हम खंडहर तक पहुंच गए। सरकार ने मुझे दुकान से घी लाने को कहा था। चलिए चलिए चलिए। सुंदर रंगोली है। सब माँ ने सिखाया है, अगर वो बनाती तो आज भी सुंदर बनती। लेकिन वो तो घर के बाहर ही नहीं आ सकती है। वो चाहेगा तो द्वारका माई तक की सारी बाधाएं मिटा देगा। वो कौन? वही जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पर है। तुम्हारे साथ सब अच्छा हो गया है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। मैं जानती हूँ, एक आप ही तो थी जिन्होंने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। गांव की सारी स्त्रियों को एक साथ मेरे समर्थन में खड़ा करने वाली आप ही तो थी। मैं यही सोचती हूँ कावेरी, कि हम औरतें अपनी अपनी दुनिया में इतनी उलझी रहती हैं कि हमारे पास कुछ और सोचने करने के लिए समय ही नहीं बचता है। घर, पति, परिवार, बच्चे, चूल्हा चौका, इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। फिर किसी और के बारे में कहाँ से सोचे। और जब हमारी इस दुनिया में कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है तो जैसे सब कुछ बिखरने लगता है। समझ ही नहीं आता कि किससे बात करें, किससे सहायता लें। अब बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब का। कितना अच्छा होगा ना कावेरी, अगर हम औरतें आपस में मिलना जुलना बढ़ा सकें, एक दूसरे की तकलीफों को बांट सकें, एक दूसरे से कुछ सीख सकें, ताकि मुश्किल के समय में हम अकेला तो महसूस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो सका। लेकिन ये कैसे संभव होगा? मेरी सासू बाई, वो बहुत दुखी हैं कि चरणपुर में नवरात्रि के पाठ के लिए वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं जा सकती हैं तो हम पाठ यहीं घर पे कर सकते हैं उनके लिए। हाँ, गांव की सारी औरतों को हम यहीं इकट्ठा करेंगे और पाठ करेंगे, और हम में से ही कोई एक स्त्री पाठ पढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाईजा का क्या, पाठ के लिए तो संस्कृत आना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में ऐसा कोई है जो संस्कृत अच्छे से जानता हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। Thank you.
बहुत जल्द ही ये जगह सजने वाली है। बच्चों की मर्जी है मायजा माँ। मैं अप्पा जी से कहूँ मदद करने के लिए, बच्चे अकेले कैसे करेंगे? बच्चों ने सोचा है तो उन्हें करने दो मायजा माँ, मदद की जरूरत होगी तो मांग लेंगे। और बिना मांगे किसी की मदद करने का मतलब है उसे सीखने से रोकना। अगर हम बच्चों को कोशिश करने से रोकेंगे तो वो कोशिश करना कैसे सीखेंगे? अगर हम तितली की उसके कोष से निकलने में मदद कर दें तो उसके पंखों में उड़ने के लिए ताकत कहां से आएगी? ठीक कहा साईं। मैंने सोचा है कि नवरात्रि में गांव की औरतें एक साथ बैठकर पाठ करें, लेकिन अब समस्या ये है कि हम में से किसी को भी अच्छे से संस्कृत नहीं आती है। क्या तुम हमारे लिए पाठ पढ़ोगे? बाजमा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिरडी में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसे संस्कृत अच्छे से आती हो?